आज बेसिकली हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन दिया है रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल है जिसका रेडियस हमें कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पहले तो इसको लिख लो गिवन में, जो जो चीजें मिलती जा रही है लिखते जाओ। रेडियस RAD, रेडियस ऑफ सर्कल यानी कि R की वैल्यू दी हुई है कितनी, 10 सेंटीमीटर। आगे देखो क्या दिया है, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 54 डिग्री। मतलब वहां पे थीटा की जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू दी हुई है, थीटा की जो वैल्यू दी हुई है, थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 54 डिग्री दिया हुआ है। थोड़ा सा इस तरफ लिखते हैं, थीटा हमें दिया है 54 डिग्री। फिर बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, क्या निकालने के लिए बोला हुआ है, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकालने के लिए बोला हुआ है, SECTOR, एरिया ऑफ सेक्टर, ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर यही निकालने के लिए हमको बोला हुआ है। सर्कुलर तो है ही, कोई दिक्कत। अब हमारे पास फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू जो हमें दी हुई है वो है 54 डिग्री डिवाइड बाय हो जाएगा 360 डिग्री इनटू पाई की वैल्यू दी है 3.14 इनटू रेडियस कितना दिया है 10 का आर का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 10 इंटू 10। देखना यहां से कैंसिल जो हो सकता है उसको कैंसिल कर देते, ये जीरो से जीरो हो जाएगा। अब कैंसिल करते हैं, 9 6 54 और 9 4 36। ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 6 × 3.14 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4 और इंटू यहां पे कौन बचा हुआ है 10। देखो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 31.4। क्या हो जाएगा ये 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, आंसर क्या आ जाएगा, यहीं पे लिख लेते हैं हम आगे इक्वल टू का साइन लगा के, ये हो जाएगा 6। अच्छा कैंसिल भी कर देते, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर बच गया ऊपर 3 × ये हो जाएगा 31.4 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2। क्लियर है, पहले इन दोनों को करेंगे हम मल्टीप्लाई, बाद में करेंगे 2 से डिवाइड, यहीं पे कर देते हैं 4 3 4 जा 12 3 4 जा कैरी होगा 3 1 जा + 1 हो जाएगा 4 3 3 जा क्या हो गया 3 3 जा 9 3 3 जा 9। पॉइंट एक नंबर बाद पॉइंट है तो एक नंबर बाद लग जाएगा पॉइंट, डिवाइड में कौन है 2। चलो डिवाइड करते हैं 2 8 जा 2 4 जा 8 2 4 जा 8। चाहिए था 9 लेकिन 2 4 जा पढ़ेंगे 8 आएगा, बचा हुआ है 1, सामने है 4 तो हो जाएगा 14। 2 कितने बार पढ़ेंगे 7 टाइम, पॉइंट है तो लग जाएगा पॉइंट 2 1 जा 2 2 1 जा 2। मतलब बेसिकली इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा, आंसर आ जाएगा 47.1। हमें क्या निकालने के लिए बोला है, एरिया ऑफ सेक्टर, क्या निकालने के लिए बोला है, तो एरिया जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, क्या होता है, क्योंकि बाकी सब सेंटीमीटर में था ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो या स्क्वायर सेंटीमीटर लिख दो कोई बात नहीं, समझ में आ गया। चलो फटाफट कॉपी करना, दिया है रेडियस ऑफ सर्कल, क्या दिया हुआ है, लिखता हूं मैं रेडियस ऑफ, अच्छा क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं किया हमने, ओके सी देखो क्या दिया हुआ है, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 80 डिग्री। मतलब बोला हुआ है मेजर जो है आर्क का जो, उसका हमें कितना दिया हुआ है 80 डिग्री दिया हुआ है एंड इट्स रेडियस इज 18 सेंटीमीटर, और जो सर्कल है उसका रेडियस कितना दिया हमें 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, तो हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, क्या निकालना है, उससे पहले हम गिवन लिखते हैं, तो हमारे पास गिवन दिया है रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल यानी कि हमें दिया आर कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, साथ में मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल दिया हुआ है, आर्क ऑफ सर्कल यानी कि हमें दिया है थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 80 डिग्री, हमें निकालने के लिए क्या बोला हुआ है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क यानी कि एल हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। फॉर्मूला है हमारे पास, सॉल्यूशन में आ जाते हैं, लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा की वैल्यू हमें क्या दी हुई है
80 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू टू विल रिमेन एज इट इज, पाई की वैल्यू हमें दी है 3.14 और रेडियस कितना दिया हुआ है 18, क्लियर है। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैंसिल जो हो सकता है उस टर्म को पहले कैंसिल कर देते हैं, बहुत आसानी से कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखना। पहले मैं करता हूँ क्या, 0 0 कर देता हूँ कैंसिल, 18 1 जा 18 2 जा 2 1 जा 2 4 जा, मतलब अब हमारे पास बच क्या गया है 4 × 4 × 2 × 3.14, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 × 3.14, 8 4 जा 32, 8 4 जा कैरी होगा 3, 8 1 जा प्लस 3 कितना हो जाएगा 11 का 1 कैरी होगा, 8 3 जा 24 प्लस 1 हो जाएगा 25। देखो कितने नंबर पॉइंट के बाद कितना नंबर है, दो, मतलब दो नंबर बाद लगा देंगे पॉइंट तो हो जाएगा 25.12, क्योंकि लेंथ बोला हुआ है तो किसमें हो जाएगा सेंटीमीटर में, सो लेंथ ऑफ आर कितना हो जाएगा 25.12 सेंटीमीटर, क्लियर है, चलो।